हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी क्लास 10th या एनसीईआरटी भी कह सकते हैं इसको, एनसीईआरटी आरबीसी क्लास 10th सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आपको आपकी वीडियो में दिख रहा होगा कक्षा 10 इतिहास, एक वीडियो में संपूर्ण पाठ्यक्रम। इसका मतलब यह है कि अपन एक एक पार्ट को उठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको पता है कक्षा 10 इतिहास में इतिहास की जो पुस्तक है उसमें 5 पार्ट है आपके। कितने पार्ट हैं? 5। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये 5 पार्ट हैं। एक एक पार्ट को एक एक वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। हम करेंगे संक्षिप्त चर्चा। हम क्या करने वाले हैं? संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं नोट्स, सिर्फ नोट्स बनाएंगे। अगर आप बोलते हैं कि सर हमारे को डिटेल वीडियो चाहिए, मतलब नोट्स के माध्यम से ही थोड़ा डिटेल में होना चाहिए टॉपिक वाइज, तो वो भी अपन बनाएंगे। लेकिन एक बार अपन नोट्स कंप्लीट करते हैं, नोट्स के माध्यम से समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे अपना अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियां हुई हैं, फ्रांस में, जर्मनी, इटली, क्या है कुछ नहीं, तो इन सब बातें जो हैं वो अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स को लेंगे। मैं रीड करूंगा और आप समझते जाना। पहला पॉइंट है 1789 में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1789 ईस्वी में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहां से शुरू हुई। यूरोप में बहुत सारे राष्ट्र हैं, किस राष्ट्र से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो वो फ्रांस से हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण फ्रांस में एक समान शासन व्यवस्था लागू की, जिसे क्या कहते हैं, आपको पता होगा, 1804 में नागरिक संहिता का निर्माण करवाया, जो बाद में नेपोलियन संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो उसने एक पूरे फ्रांस पर एक संहिता लागू करी थी, जिसका नाम था नेपोलियन संहिता। क्या नाम था? नेपोलियन संहिता। कुलीन वर्ग सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग था, लेकिन एक छोटा समूह था। कुलीन वर्ग यानी, कुलीन वर्ग का मतलब होता है जो बहुत अमीर वर्ग होता है। तो अमीर वर्ग था उस समय भी, लेकिन बहुत कम संख्या में था। 1815 में नेपोलियन की हार, प्रतिनिधियों द्वारा वियना सम्मेलन आयोजित, जो वियना संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की। तो वियना संधि आपको याद रखना है, और वियना सम्मेलन से जुड़े जितने भी तथ्य हैं उनको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। जूसेपे मैसनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इटली का महान क्रांतिकारी, जिसने यंग इटली व यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि यंग इटली की स्थापना किसने करी थी, तो वो की थी ज्यूसेपे मैसनी, ज्यूसेपे मैसनी, ज्यूसेपे मैसनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्रांतियों का युग। क्या आता है? क्रांतियों का युग। बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, तो मेनली कितनी क्रांतियां हुई आपको दिख रही है, बड़े स्पष्टता से अपन इसको और चर्चा में लाते हैं कि क्रांतियों का युग था 1830 से 1838, 48। प्रथम विद्रोह का सूत्रपात फ्रांस में 1830 में हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? 1830 में फ्रांस में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के बाद परिणाम क्या हुआ, मतलब क्रांति हो गई, लड़ाई हो गई है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, यानी एक संविधान के आधार पर एक राजतंत्र की स्थापना हुई। फिर 1821 में यूनानियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ था। 1832 में यूनान में एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। 1848 में फरवरी में फ्रांस में पुनः क्रांति का सूत्रपात, सूत्रपात यानी प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र यानी गणों के तंत्र, अलग अलग गणतंत्र की। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करके रख रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस प्राप्त करने के लिए, लेक्चर्स प्राप्त करने के लिए बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें इस वीडियो को, जितने अच्छे लाइक आएंगे हम आगे भी ऐसी आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जर्मनी और इटली का निर्माण। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले अपन जर्मनी का एकीकरण समझेंगे, उसके बाद इटली का एकीकरण समझेंगे। ज़्यादा पॉइंट मैंने रखे नहीं है क्योंकि अभी हम संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियो भी कहेंगे कि अच्छे तरीके से आप समझाइए, आपके समझाने का अच्छा तरीका है, तो हम आगे भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। जर्मनी का एकीकरण में आपको दो तीन बिंदु याद रखने हैं। पहला बिंदु यह है कि मध्य वर्ग के जर्मन राष्ट्रवादी लोगों के प्रयासों से जर्मनी एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बना। मध्य वर्ग के जर्मन राष्ट्रीय, मध्य वर्ग याद रखना, ठीक है। फिर आता है प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण के लिए आंदोलन। प्रशा प्रधानमंत्री द्वारा लोहो एवं रक्त नीति। प्रशा प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क, है ना। प्रशा प्रधानमंत्री यानी बिस्मार्क के द्वारा लोहो एवं रक्त की नीति अपनाकर 18 जनवरी 1871 में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कब हुई, ये कब स्थापित हुआ, वो 1871 में। किसने स्थापित करा? तो प्रशा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने स्थापित करा। किस नीति के आधार पर किया? तो लोहो एवं रक्त की नीति के आधार पर किया। राजा विलियम प्रथम सम्राट घोषित किए। अब नया राष्ट्र बना जर्मन, तो एक राजा की भी आवश्यकता होगी क्योंकि उस समय राजतंत्र चलता था, लोकतंत्र तो चलता नहीं था। तो राजतंत्र के अंदर एक राजा बने जो सर्वप्रथम फ्रांस, जो अपना जर्मनी है उसके राजा बने, वो थे राजा विलियम प्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इटली का एकीकरण। तो इटली का जो एकीकरण है वो है एकीकरण पूर्व 7 राज्यों में विभक्त। क्रांतिकारी नेता जुसेप्पे मेसनी सार्डिनिया, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। तो एकीकरण से पूर्व जो इटली था वो 7 राज्यों में विभक्त था। कितने राज्यों में विभक्त था? 7 राज्यों में विभक्त था। क्रांतिकारी नेता यानी जो चाहते थे कि इटली को जोड़ा जाए, उसके उस ग्रुप के जो लीडर थे उनका नाम था जुसेप्पे मेसनी सार्डिनिया। तो ये क्या, इन्होंने किस प्रकार से इटली के एकीकरण में योगदान दिया उसको देखिए आप, कि पिडमांड के प्रधान मंत्री कावूर ने 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित करा। 1859 में फ्रांस को हराकर फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित किया। फिर गरिबाल्डी या गरिबाल्डी द्वारा सीसल और नेपल्स पर आक्रमण कर अधिकार किया, ठीक है। 1861 में एकीकृत इटली का राजा इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। जिस तरीके से हमने जर्मनी के एकीकरण में देखा था कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी, उसी तरीके से इटली के एकीकरण के अंदर भी हमारे को देखने को मिल रहे जुसेप्पे मेसनी। जुसेप्पे मेसनी ने बहुत अधिक भूमिका निभाई है, और गैरिबाल्डी द्वारा सीसर और नेपल्स पर आक्रमण कर अधिकार किया, ठीक है। गैरिबाल्डी ने भी इसमें, गैरिबाल्डी एक व्यक्ति का नाम है, तो इन्होंने भी बहुत सहायता करी है। और 1861 में एकीकृत इटली का राजा इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। वहां पर विलियम प्रथम थे, यहां पर इमैनुअल द्वितीय राजा बने, ठीक है। और लास्ट में अपन देखेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इससे भी कभी कभार पॉइंट पूछ लिया जाता है, तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या है? तो 18वीं व 19वीं शताब्दी में राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। इसमें नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। फ्रांस में मारियान नामक महिला को राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पुराना जमाना था उसके अंदर क्या होता था, राष्ट्र को एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, एक नारी के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। जैसे अपनी भारत माता है ना, अपन अपने राष्ट्र को भारत माता कहते हैं, तो उसी तरीके से 18वीं और 19वीं शताब्दी में अलग अलग राष्ट्रों को नारी के भेष में प्रस्तुत किया जाता था। प्रश्न आ सकता है कि फ्रांस को किस नारी के भेष में देखा जाता था? अपन जैसे भारत को तो वो भारत माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, भारत माता माता कहकर अपन पुकारते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रांस को किस नारी के भेष में प्रस्तुत किया गया था? तो नाम है मारियान नामक महिला को राष्ट्र के रूप में चित्रित किया गया। तो आपसे आ सकता है प्रश्न एमसीक्यू के अंदर, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ठीक है।
इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। इसी प्रकार जो जर्मन राष्ट्र है, जर्मन राष्ट्र का जर्मेनिया, ये जो नारी थी ये इनका रूपक बन गई। आशा करता हूँ आपको ये जो चैप्टर है इसके मुख्य मुख्य मोटे मोटे बिंदु जो हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इस पूरे वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि पीडीएफ चाहिए सर, तो आप मुझे कमेंट करिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। क्योंकि ऐसे ही प्रोवाइड कराने से अच्छा है कि जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को प्रोवाइड कराएं तो बढ़िया है। तो जो कमेंट करेंगे केवल उन्हीं को ही पीडीएफ मिलेगी, बाकी आप वो वीडियो आपके समक्ष है, इससे भी आप लिखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।